अगली खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। पुलिस अधीक्षक बलिया एस आनंद द्वारा अपराध के समूल उन्मूलन एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक बलिया दुर्गा प्रसाद तिवारी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी रसड़ा मोहम्मद फहीम कुरैसी व प्रभारी निरीक्षक भीमपुरा व स्वाट टीम की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा स्थानीय थाना पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि रात्रि करीब 9-10 बजे के बीच अपनी दुकान बंद करके घर वापस आ रहा था कि उसके पीछे गाड़ी पर बैठे संजय यादव पर दो व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की नियत से हमला कर दिया गया, जिस संबंध में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उच्च अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सर्व संबंधित को निर्देशित किया गया था। साक्ष्य संकलन व अन्य विवेचना के क्रम में नामजद व प्रकाश में आए 3 नफर अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना के आधार पर लोहटा चट्टी नहर पुलिया के पास से एक सफेद रंग की 4-पहिया गाड़ी के साथ प्रभारी निरीक्षक भीमपुरा व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों की जमा तलाशी में कब्जे से 3 अदद अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में स्थानीय थाना पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। Thank you.